बेंगलुरु में बदला लेंगे कोहली, हिसाब करेंगे बराबर, स्टार को मिलेगा करारा जवाब। विराट ने शुरू की तैयारी, अपने घर में स्टार की करेंगे धुनाई। देखिए अब विराट की बारी। पुणे में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था और सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पीछे हो गई है। मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली का विकेट लिया था, वही मिचेल स्टार्क का फिर से विराट कोहली को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन विराट कोहली ने खास तरीका अपनाया है इस बार मिचेल स्टार्क से निपटने का। क्या है विराट कोहली का एक खास तरीका, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। विराट देंगे स्टार्क को मुंहतोड़ जवाब। पहली जंग जो हुई विराट कोहली बनाम मिचेल स्टार्क, उसमें मिचेल स्टार्क की जीत हुई। विराट कोहली को उन्होंने चलता कर दिया और टिकने ही नहीं दिया पिच पर। लेकिन इस बार विराट कोहली थोड़ी अपनी तैयारियों को और दुरुस्त कर रहे हैं। मनी सर, पिछली बार हमने देखा था पुणे टेस्ट मैच से पहले 15 गज से प्रैक्टिस कर रहे थे, अब 10 गज पर आ गए विराट कोहली प्रैक्टिस करने के लिए, क्या कहेंगे आप? ये जो प्रैक्टिस कर रहे थे ये बेसिकली जल्दी जल्दी बॉल फेंक रहे थे उनकी तरफ और वो खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉल जो फेंकवा रहे थे लेफ्ट आर्म से ही बॉल फेंकवा रहे थे। नहीं, लेकिन ये जो प्रैक्टिस हो रही थी, जो मुझे दिखा, जो मुझे समझ आती है, वो इसलिए कि उनके पैर चलते रहे। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से मिचेल स्टार्क को आउट हुए थे, पैर चले नहीं, बैट दूर से चला दिया। अगर पैर चलते रहेंगे तो पैर अगर बॉल की तरफ जाएगा तो फिर वो जो गलती हुई थी वो नहीं होगी, और उसके बारे में ये प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है कि यू नो, एक इंग्लिश में कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप ओवरडू कर देते हैं किसी चीज़ को, ज़्यादा कर देते हैं ज़रूरत से, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, संजय मांजरेकर टेक्निकली इतने साउंड थे लेकिन वो इतना ज़्यादा सोचने लगे अपने टेक्निक के बारे में। हम इंग्लैंड में खेल रहे थे एक बार लीग क्रिकेट और वो मेरे घर के बहुत करीब रहते थे। मैं उनके घर पहुंचा और सामने एक शीशा लगा हुआ था बड़ा, वहाँ पर 6 बैट पड़े थे और वो बैट के साथ शीशे में देखते रहते थे। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से उनकी क्रिकेट में वो बात नहीं आ पाई या वो उतने रन्स कंसिस्टेंटली स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे अपनी टेक्निक के बारे में। सो इस चीज़ से थोड़ा सा परेश करना। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पुणे टेस्ट में हमने देखा कि 15 गज के दायरे में आए थे विराट कोहली, अब 5 गज का जो दायरा बढ़ा दिया, तो इसके पीछे क्या सोच आ गई उनकी? पहले भी तो क्रीज से आगे आके उन्होंने प्रैक्टिस की थी, अब थोड़ा और आगे आ गए इसीलिए कि बॉल तेजी थोड़ा देखिए, बिल्कुल तेजी, जो तेज आती हुई बॉल उसे खेल सके और पैरों की मूवमेंट अच्छी होती रहे, यू नो, जो बॉल हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, बॉल सही से दिखने लगे। आई थिंक केवल उसी की तरफ काम कर रहे हैं। आई थिंक हर फेलियर के साथ विराट कोहली ने कुछ ना कुछ नया किया है ताकि वो उनकी कंसिस्टेंसी जो बनी हुई है उसे बरकरार। एक चीज और मनी सर, विराट कोहली की को आउट किया मिचेल स्टार्क ने, लेकिन मिचेल स्टार्क के भी सुर बदले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि विराट कोहली इतने बड़े बल्लेबाज और इतने रन इसको उन्होंने स्कोर किए, साल भी वापसी कर सकते हैं विराट कोहली। अब ये ऑस्ट्रेलिया का क्या कह सकते हैं, माइंड गेम थोड़ा बदल गया है? पहले होते तो बोलते कि नहीं, ये तो 6 सीरीज में हम इनको आउट करेंगे पूरा। इसके दो नजरिए हैं। एक तो विराट कोहली ने अपनी इतनी रिस्पेक्ट बना ली है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि सभी को पता है कि एक दो बार फेल हुए तो बहुत तेज़ी से बाउंस करने वाले हैं, और इन कंडीशंस में तो और एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे। दूसरा है कि ये भी हो सकता है, जो पहले मैच में जैसे किया स्टीव वॉ ने कमेंट किया अश्विन के लिए कि वो बॉलिंग के ब्रैडमैन है, देखिए कितना प्रेशर आ गया था उनके ऊपर उस टेस्ट मैच में जब पहली इनिंग्स में उन्हें ठीक से उनकी बॉलिंग नहीं हुई और विकेट्स नहीं मिली। शायद कोई ये नई नीति अपनाई है कि वर्ड वॉर करने की बजाय इस तरह का वार करे कि कंप्लेसेंट कर दे खिलाड़ी को। लेकिन विराट कोहली इन बातों में आने वाले नहीं है, इन बातों में आने वाले नहीं है विराट कोहली। और विराट कोहली की हमने हर बार देखा है कि जब भी गेंदबाज आते हैं उनको उन्होंने जवाब जरूर दिया है, लेकिन इस बार आपको लग रहा है मनी सर कि कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए विराट कोहली? क्योंकि सीरीज के पहले मैच में ऐसा होता नहीं है विराट कोहली के साथ कि मिचेल स्टार्क वो आउट कर दे उनको जिनके साथ उनकी जंग कही जा रही है, स्टीव ओकिफ जो कि एक नया गेंदबाज आया उनके खिलाफ विराट कोहली सोचे कि बॉल अंदर जाएगी या बाहर जाएगी। ये एक चीज़ और बताता है, जितने कॉशियस होकर विराट कोहली खेल रहे थे, ये एक चीज़ और बताता है कि उनको अपने बाकी बैट्समैन के ऊपर कितना भरोसा है, और ऐसे में वो अपना नेचुरल खेल नहीं खेल पाए। हालांकि पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, लेकिन विराट कोहली को हमने देखा है कि मुश्किल से मुश्किल पिच के ऊपर भी उन्होंने तेज़ी से रन्स बनाए और प्रेशर बनाया ऑपोजिशन के ऊपर। सो पिचेज अब जिस तरह की बनेगी आगे आने वाली सीरीज़ में, क्योंकि पहली पिच की इतनी क्रिटिसिज्म हो गई है कि ये प्रॉब्लम आएगी नहीं कि उनके बाकी बैट्समैन रन्स ना बना पाए और इन्हीं को सारी जिम्मेदारी लेनी। चलिए, टेस्ट मैच के लिए अभी शुरू होने में वक्त है मनी से, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। अगर आपको प्लेइंग 11 में चेंज करना हो तो जैसा मोहम्मद अजहरुद्दीन कह रहे हैं कि आप जयंत यादव को बाहर ले जाइए, ईशान शर्मा को बाहर करिए, उनकी जगह करुण नायर को आपको अंदर लाना पड़ेगा, या
एक दूसरा बैट्समैन या दूसरा बॉलर आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपका क्या सोचना है इस बारे में? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए, खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस प्रभावित हो सकता है। नहीं 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 नहीं, देखें बड़ी सिंपल बात है, जयंत यादव को जितना मैंने देखा है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उन्होंने जब सेंचुरी लगाई थी मैं उससे पहले बोल चुका था मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की होगी राहुल द्रविड़ के सामने जो उन्होंने उनका नाम रिकमेंड किया है, लेकिन मुझे उनमें कोई ऐसी खास बात नहीं दिख रही, नंबर वन। सो उनको चेंज करना चाहूँगा। अब डिपेंड करता है कि आप 6 बैट्समैन खिलाना चाहते हैं और 4 बॉलर खिलाना चाहते हैं या 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहते हैं। और अगर 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहते हैं, कुलदीप यादव टीम में है, उन्हें शामिल करें। और भुवनेश्वर कुमार मेरे नंबर वन बॉलर। मुरली विजय, उनका कहना है कि प्रेशर हम दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लाकर रहेंगे और ये बेंगलुरु टेस्ट मैच में ऐसा टीम इंडिया का करने का इरादा है। मनी सर, ये पॉजिटिविटी है विराट कोहली के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया में जब हम हारे थे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 4 हार गए 4 बचे हुए जीतेंगे, यहां उन्होंने पुणे में हारे तो कहा गोल में भी हारे थे, उसके बाद देखिए फिर हम जीतते ही चले गए। ये एक सकारात्मक संदेश देता है टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को और फैंस को? बहुत फर्क पड़ता है। देखिए अगर आपका लीडर, आपका जो कैप्टन है वो इस तरह के पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे तो टीम के ऊपर भी वो जब उनसे बात करेगा उनको मोटिवेट करने की क्षमता रखता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली ने जिस तरह से अभी तक हैंडल किया है इस इंडियन टीम को, ये टीम बाउंस बैक करेगी, मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इस मैच में बाउंस बैक नहीं किया तो समझ लीजिए ये सीरीज निकल गई इंडिया के हाथ से। तो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में काफ़ी खुशी है और इसीलिए शायद उनके जो साथी खिलाड़ी थे स्टीव स्मिथ के, वो स्टीव स्मिथ का कार्टून बनाते हुए वहाँ पे नजर आए, मौज मस्ती करते हुए नजर आए। टीम इंडिया ट्रैकिंग से अपनी मौज मस्ती और प्रेशर को कम करती हुई नजर आई। लेकिन अब बात करते हैं क्रिकेट के महामानव की, वेस्ट इंडीज़ की टीम में आपने कई लंबे चौड़े खिलाड़ी देखे होंगे, लेकिन अब जो खिलाड़ी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में एक खिलाड़ी मैदान में उतरा और इंग्लैंड के खिलाड़ी दंग रह गए। इस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज़ का अगला सुपरस्टार भी कहा जा रहा है। क्रिकेट में आया महामानव, कौन बॉल ने किया सबको हैरान। ये खिलाड़ी कोई सुमो पहलवान नहीं है, बल्कि ये है वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रहकीम कॉर्नवॉल, जिन्हें क्रिकेट का महामानव कहा जा रहा है। कॉर्नवॉल का शरीर देखकर हर कोई हैरान है। कॉर्नवॉल का वजन और उनका कद उन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट का महामानव बना रहा है। कॉर्नवॉल का वजन 140 किलो है, वहीं उनकी हाइट 6 फीट 6 इंच की है। इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में जब ये खिलाड़ी मैदान पर उतरा तो इंग्लिश प्लेयर्स की बोलती ही बंद हो गई। उसके बाद इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और शानदार अर्धशतक लगाया। इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में कॉर्नवॉल ने 61 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाए। इस दौरान कॉर्नवॉल ने 3 छक्के और 3 चौके भी लगाए। 24 साल के रहकीम कॉर्नवॉल ने वेस्ट इंडीज के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ऑफ स्पिनर के रूप में डेब्यू किया था, लेकिन अब वो बल्लेबाजी में भी कमाल दिखा रहे हैं। उनके हाथ में बैट किसी खिलौने जैसा लगता है और कॉर्नवॉल अपनी जबरदस्त ताकत से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा देते हैं। कॉर्नवॉल ने 25 फर्स्ट क्लास मैच में 24.19 की औसत से 125 विकेट लिए हैं, वहीं उनके नाम 23.04 की औसत से 1014 रन दर्ज हैं, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। कॉर्नवॉल भी उसी एंटीगा से आते हैं जिसने क्रिकेट को विविन रिचर्ड जैसा बल्लेबाज दिया। वेस्ट इंडीज बोर्ड भी चाहता है कि कॉर्नवॉल अपनी फिटनेस पर ध्यान दे ताकि उनका वजन उनके करियर में रुकावट ना बन सके। फिलहाल हर तरफ कॉर्नवॉल के शरीर की चर्चा हो रही है, लेकिन ये खिलाड़ी आने वाले वक्त में वेस्ट इंडीज के लिए खेल में भी धमाल मचा सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो कॉर्नवॉल को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। 140 किलो इनका वजन है और 6.6 फीट की हाइट है कॉर्नवॉल की, और इनको कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज के लिए ये बड़ा नाम कमा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं, तमाम जानकारी वहां से हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी। नमस्कार।